सो गाइस, आज जो है बैंक ऑफ बड़ौदा का वैकेंसी रिलीज होके आई है, तो हम देखते हैं इस वैकेंसी में क्या क्या है, कितनी पोस्ट है और किस प्रोफाइल पे है और कौन कौन से स्टेट में पोस्ट है। तो ले चलते हैं आपको अपने सिस्टम पे, वहाँ पे आपको ए टू जेड स्टेप बाय स्टेप बताते हैं कि क्या प्रोसेस है। और गाइस, आपको मैं ये भी बता दूँ कि वहाँ पर मैं आपको अप्लाई लिंक भी दे दूँगा, जिससे कि आप फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। करें सिंपली गाइस, हम अपने पीसी पे आ चुके हैं, तो यहाँ पे चलते हैं अपनी वेबसाइट पे। तो यहाँ पे अपनी वेबसाइट को जो ओपन करेंगे, तो यहाँ पे देख पा रहे हैं कि यहाँ पे जो वैकेंसी आपको बैंक ऑफ बड़ौदा को देखने को मिल जाएगी। तो यहाँ पे जो वैकेंसी है बैंक ऑफ बड़ौदा के लिए, इसमें देख पा रहे हैं कि कितनी जो पोस्ट है, और जो 159 पोस्ट है ब्रांच मैनेजर के लिए अवेलेबल है। जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, ग्रेजुएशन, ओनली ग्रेजुएशन होता है। अगर आप सोच रहे हैं कि 10th और 12th अगर हम किए होंगे तो हमारा भी हो जाए, इसमें ऐसा कुछ भी नहीं है। इसमें चाहे बीटेक की हो, चाहे बीए की हो, चाहे कोई सा भी आपका क्वालिफिकेशन हो, लेकिन बट ग्रेजुएशन होना मैंडेटरी होता है। इसमें जो वैकेंसी रिलीज होकर आई है, इसमें बैंक ब्रांच मैनेजर के लिए है। देख पा रहे हैं गाइस कि बैंक ऑफ बड़ौदा ब्रांच रिसीवेबल मैनेजर रिक्रूटमेंट 2022 ऑनलाइन फॉर्म। यहाँ पर एडवर्टाइजमेंट नंबर भी सिंपली जो है इसमें नहीं प्रोवाइड किया गया, बट इसमें इम्पोर्टेंट डेट की इसमें देखने को आपको मिल जाएगा, जो स्टार्टिंग फेज है फॉर्म का 25 मार्च है, और बट और उसके बाद जो है लास्टिंग डेट है इसमें 14 अप्रैल 2022 तक है। इसमें एग्जामिनेशन डेट जो है अभी नोटिफाइड होगा ही, जब होगा तो आपका डेफिनेटली 15 दिन पहले ही एडमिट कार्ड प्रोवाइड की जाएगी। एप्लीकेशन फी की अगर बात करूँ तो इसमें जो है जनरल ओबीसी के लिए 600 रुपीज़ और एससी ओएसटी के लिए 100 रुपीज़, ऑल कैटेगरी फीमेल और फिजिकल हैंडीकैप के लिए 100 रुपीज़ है। इसमें बैंक ऑफ बड़ौदा जो रिसीवेबल मैनेजर रिक्रूटमेंट, इसमें जो है एज की जो क्राइटेरिया क्या है, प्रोसेस करें मेरे से जो है डेफिनेटली जो है बंदे कमेंट बॉक्स पूछते हैं कि सर एज रिलैक्सेशन मिलना चाहिए, एज क्राइटेरिया बताते नहीं हो। तो इसमें देखिए, इसमें जो एज की क्राइटेरिया देखने को मिल जाएगी 23 ईयर्स, और जो मैक्सिमम एज जो दिखने को मिल जाएगा 35 ईयर्स। इसमें टोटल जो पोस्ट निकल के आई है 159 पोस्ट निकल के आई है। मैं डेफिनेटली जो है इसका अप्लाई लिंक अपने डिस्क्रिप्शन एंड अपने कमेंट बॉक्स में प्रोवाइड करवा दूंगा, वहां से आप डेफिनेटली फॉर्म फिलअप कर सकते हैं और साथ में नोटिफिकेशन भी रीडिंग कर सकते हैं। और बट इसमें बैचलर डिग्री यानी स्ट्रीम आपको जो है होना चाहिए, बट आप होता है कि इसमें UR के लिए 68, EWS के लिए 15 और OBC के लिए 42, SC के लिए 23, ST के लिए 11, टोटल आपको 159 पोस्ट देखने को मिल जाएगा। और फिर हम इसमें देखिएगा, इसमें आपको होता है स्टेट वाइज जो है वैकेंसी रिलीज होकर आई है बैंक ऑफ बड़ौदा के लिए ब्रांच मैनेजर के लिए। तो इसमें जो उत्तर प्रदेश उत्तराखंड के लिए 15, NCT ऑफ दिल्ली के लिए है 10, बिहार के लिए 7, झारखंड के लिए 3, हरियाणा के लिए 10, और गोवा के लिए 3, गुजरात, दमन, दाऊ और दादर हवेली के लिए 18, मिजोरम के लिए 1 है, जम्मू कश्मीर के लिए 1, मेघालय के लिए 1, कर्नाटका के लिए 7, केरला के लिए 5, आंध्र प्रदेश के लिए 5 वैकेंसी रिलीज होके आई है। इसमें जो है मध्य प्रदेश में 7 वैकेंसी है, महाराष्ट्र में 23, छत्तीसगढ़ में 5, राजस्थान में 7, हिमाचल प्रदेश में 3, नागालैंड में 1, असम में 4, ओडिशा में 7, तमिलनाडु में 5, त्रिपुरा में 1, अरुणाचल प्रदेश में 2, वेस्ट बंगाल, सिक्किम, अंडमान निकोबार में 7, मणिपुर में 1। इसमें फॉर्म फिलअप करते हैं सारा प्रोसेस, अगर आप फॉर्म फिलअप करें तो अपने पास सारा जो है डॉक्यूमेंट रखें, साथ में अपना पासपोर्ट साइज का एक सॉफ्ट कॉपी भी अपने पास रखें, क्योंकि ये सारे फॉर्म में डिमांड करेगा जब फॉर्म फिल करेंगे। और सिंपली गाइस, इसको अप्लाई क्या है, तो इसमें आपको देख पा रहे हैं इसको अप्लाई का मैं डेफिनेटली लिंक प्रोवाइड करवा दूंगा। ऐसे भी मैं आपको बता चुका हूँ कि मैं आपको अप्लाई का लिंक प्रोवाइड करवा दूंगा डिस्क्रिप्शन और एंड कमेंट बॉक्स में, और इसके साथ आप नोटिफिकेशन भी रेडी कर सकते हैं। इसके ऑफिशियल वेबसाइट पे भी आप एग्जैक्टली जो है जा सकते हैं। तो यही सारा जो प्रोसेस आपको देखने को डेफिनेटली मिल जाएगा। तो सो गाइस, आज की वीडियो में बस इतना ही। मुझे डेफिनेटली बताया कि वीडियो आपको कैसा लगा, और साथ में अगर हमारे चैनल पर नए आए हों तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए, क्योंकि इस चैनल पर आपको जो है टेक्नोलॉजी से रिलेटेड, गवर्नमेंट से रिलेटेड सारे कंटेंट प्रोवाइड होता रहता है। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में नए टिप्स के साथ। थैंक यू सो मच।